इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्टेज जहाँ पर आप अकेले और आसपास सिर्फ पहाड़ों के नज़ारे हैं। कुछ ऐसा ही मैंने एक्सपीरियंस करा हिमाचल के एक छोटे से विलेज में जिसका नाम है जिबी। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ हटके एक स्टे एक्सपीरियंस भी दिखाने वाली हूँ जो कि आपको देखकर डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत। यूरोप से चल के सीधा अपने देश के पहाड़ों तक। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सो रिसेंटली अभी मेरी जॉर्जिया और अर्मेनिया इसकी सीरीज़ कंप्लीट हुई है। मैंने ये दो कंट्रीज एक्सप्लोर की थी एज अ सोलो ट्रैवलर। सीधा अब मैं आ चुकी हूँ वापस बैक टू इंडिया एंड दैट टू इन हिमाचल। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना ज़्यादा खूबसूरत व्यू है, मुझे आई थिंक एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है। दिस इज़ जस्ट स्टनिंग। एक तो शांति, ऊपर से इतना अमेजिंग व्यू एंड प्लस इतनी अमेजिंग प्रॉपर्टी। मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ, कहाँ हूँ हिमाचल में, क्या लोकेशन है एग्जैक्टली, वो सब कुछ मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। एक बेस्ट वेकेशन एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ वर्चुअली। सो दिस इज़ आवर प्लान फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा। एक खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगी आपको। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एंड पसंद आएगा तो बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अब तक नहीं किया तो, एंड लेट्स बिगिन। सो अगेन, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी लोकेशन क्या है। राइट नाउ मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ फ़िलहाल हिमाचल के जिबी में। जिबी आप सबने सुना ही होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन पहले हुआ करती थी बट अभी तो चलो काफ़ी लोगों को पता है और जिबी के बारे में यहाँ पे अच्छा टूरिज़्म देखने को मिलता है अब तो। सो आई नॉट कॉल इट ऑफ बीट डेस्टिनेशन बट डेफिनेटली ये एक बहुत ही सिक्लूडेड बट डेफिनेटली बहुत ही पीसफुल एक हिल स्टेशन है। सो अभी मैं जिबी में हूँ एंड जिबी इज़ फेमस फॉर देयर ट्री हाउसेस। सो राइट नाउ आई एम इन अ ट्री हाउस प्रॉपर्टी। दूंगी आपको बढ़िया सा टूर, दूंगी सब आराम से, पूरा ये इन्जॉय करोगे आप इस वीडियो में। सो पहली चीज़ कि जिबी इज़ नियर टू जलोरी पास, अगर आपने सुना होगा तो जलोरी पास मैं कल जाऊंगी। मैं आज ही बेसिकली दिल्ली से आई हूँ, ओवरनाइट के मैंने बस ली थी। यहाँ तक आना इज़ वेरी वेरी इजी, आपको दिल्ली से चंडीगढ़ से ओवरनाइट की बसेस मिल जाएगी। आपको सीधा आना है ओट तक, ओट टनल पे उतर जाना है एंड वहाँ से आपको कैब भी मिल जाएगी एंड बस भी मिल जाएगी। मैंने वहाँ से बस ली थी तो बस ने लिया मेरे से सिर्फ 75 रुपीज़ यहाँ जिबी तक पहुँचाने के लिए। एंड देन जिबी से 6 किलोमीटर, ये थोड़ा लाइक सिक्लूडेड एरिया है तो मैंने 6 किलोमीटर के लिए मैंने फिर कैब मुझे करनी पड़ी थी। तो आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि बाय चांस अगर आप मेरी वीडियो देख के कल को यहाँ पर आना चाहो, यहाँ पर रहना चाहो तो कैसे पहुँचना है यहाँ तक, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मेरा बचपन से ट्री हाउस में रहने का बहुत एक कहते ना कि एक इच्छा थी, मैं आज तक कभी ट्री हाउस में नहीं रही। इट्स अ कम्प्लीट वैली व्यू एंड जहाँ से दूर दूर तक मुझे सिर्फ पहाड़, ट्रीस, ये सब दिख रहे हैं। अब बहुत मैंने आपसे बातें कर ली, अब सीधा मैं आपको देती हूँ टूर यहाँ का, इस प्रॉपर्टी का। देखो वहाँ से देख रहे हो, वहाँ से लोग आ रहे हैं। सब यहाँ तक प्रॉपर्टी तक आने के लिए डायरेक्टली ऐसे कोई आपको रोड नहीं दिखेगी, मतलब 15 मिनट्स की लाइक छोटी सी बहुत ही सिंपल हाइक करनी पड़ती है यहाँ तक आने के लिए। सबसे पहले तो सबसे बड़ा डिस्क्लेमर ये है, अब मैं हाइक सुबह करके आ चुकी हूँ तो अभी तो मैं आपको वो रास्ता नहीं दिखाऊंगी। मे बी हम शाम के टाइम थोड़ा वॉक करने जाए तो मैं आपको वो शो कर दूँगी पूरा पाथ। बट हाइक बहुत ही ईजी है तो वहाँ भी इनकी पार्किंग है, लाइक इनके सबका खुद का व्हीकल है, आप वहाँ पार्क कर सकते हो एंड देन आपको फिर 15 मिनट की नीचे से हाइक करके आना पड़ेगा एंड देन दैट्स अ ईजी वॉक, वेरी ईजी वॉक, वेरी ईजी हाइक। फिर वहाँ से आकर एक और चीज़, दिस इज़ ओनली वन कॉटेज, लाइक वन कॉटेज प्रॉपर्टी। सो ऐसा नहीं कि इनके मल्टीपल कॉटेजेस है तो एक ही है ये। बस यहाँ से आके वॉक करके नीचे उतरी मैं एंड देन यहाँ से आपको मैं देती हूँ व्यू, सॉरी अब मैं आपको देती हूँ टूर यहाँ से। जैसे एंटर करोगे इतना बड़ा ये ट्री है, एज आई सेड कि ये ट्री हाउस है, सो दिस इज़ अ ट्री एंड देन यहाँ पे आप देखोगे वी हैव अ जकूजी। बहुत ही प्यारा व्यू है जकूजी से, ऐसे बस नहाते नहाते व्यू एंजॉय करो। एंड देन ये है माय बेड और मस्त है, सुंदर है, ऊपर का मैं ऐसे व्यू दिखाती हूँ। देखो अभी लाइट्स ऑन कर दिया मैंने, रात के टाइम और अच्छा लगेगा। सो यहाँ से सीधा जाके ये बालकनी है हमारी जहाँ मैं पहले खड़ी थी, वहाँ लेके जाती हूँ आपको। तो बालकनी से ये पूरा व्यू है वैली का, आराम से देखो
है. एंड देन यहाँ पे सीधा यू कैन गो, मैंने उतार दिया चप्पल. सो यहाँ से सीधा यू कैन गो, मस्त आराम से लेट जाओ, यहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करो, बहुत ही प्यारी फ़ोटोज़ आएंगी. सेफ्टी नेट है ये बेसिकली, और मस्त है शाम के टाइम लाइक चिल करने के लिए. आराम से बैठो एंड इस व्यू के मज़े लो. एंड यहाँ पर भी वी हैव स्पेस, और यहाँ से आप देख रहे हो वो है वॉशरूम. दिस इज़ रूम, वॉशरूम से भी पूरा ये व्यू है. ऐसा इनकेस अगर आप सोच रहे हो कि प्रीवीसी का यहाँ पे कोई ऐसा डर नहीं है, क्योंकि जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे पूरे ग्लास हैं, एंड यहाँ से वी कैन सी द व्यू, एंड बाहर से भी हम वॉशरूम में देख सकते हैं. बेसिकली दिस इज़ अ ओल्ड प्राइवेट स्पेस, यहाँ पे नीचे या सामने कोई आता जाता नहीं है. उस वे में ये सोच समझ के बनाई गई है, सो नॉट वरी अबाउट दैट. तो यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से मस्त. एंड यहाँ से अंदर जाओ, अंदर लेके चलते हो वॉशरूम पर, दिखाती हूँ आपको. इसके पीछे वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत बड़ा है. अभी तो जिस मैंने शावर लिया था, बढ़िया पूरा वॉशरूम एरिया है. यहाँ से देखो ऐसा व्यू, जहाँ में अभी हम वहाँ खड़े थे बाहर. आई लाइक द डिटेल्स, आप देखोगे इन्होंने ऐसे कैंडल्स भी रखी हुई है, आप लाइट कर सकते हो कैंडल जकूजी में मस्त नहाते हुए. अभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट. मैं जस्ट अभी फटाफट नहा के मैंने कहा मुझे शूट करना है, मुझे ब्लॉग करना है. सो अभी छोटी छोटी चीज़ें मैं नोटिस कर रही हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही है. कितना मस्त यहाँ से देखो शॉट आएगा. सो कैंडल्स है यहाँ पर, और इधर भी इन्होंने कैंडल्स रखी हुई है. नीचे इसमें भी देखोगे कैंडल्स है, कि और कैंडल्स लानी है. डव का यहाँ पे सोप है, देन कुछ बुक्स हैं पढ़ सकते हो. बाकी एक एयर कंडीशनर भी है, अभी मैंने एसी ऑन कर रखा है. सिंस जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि ओपन प्रॉपर्टी है, ऊपर पूरा ऐसे क्लास है, तो धूप तो आ रही है, सुबह भी धूप थी, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे गर्मी भी आपको लगेगी. अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ इन द मंथ ऑफ सितंबर, सो मौसम यहाँ पर ठीक ठीक ही है. मानसून धीरे धीरे अभी जा रहा है, आपको पता है ऑटम स्टार्ट हो जाएगा, देन फिर प्रॉपर विंटर्स आ जाएगी. एन जी वी इज़ अ डेस्टिनेशन जहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल होती है. जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जलोरी पास भी है, यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर है जलोरी पास, तो वहाँ पे तो इतनी स्नोफॉल होती है कि विंटर्स में एक्सेस करना ही मुश्किल है. यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी स्नोफॉल होती है, बट कहने का मतलब ये है कि अभी भी यहाँ पे थोड़ा मैंने एसी ऑन किया है, तो दिन के टाइम अगर बहुत ही काफ़ी सनी डे है तो डायरेक्टली धूप तो आएगी एंड गर्मी लगेगी. अदरवाइज यहाँ पर रात के टाइम एसी की कोई नीड नहीं है. ये था एक सुंदर सा टूर इस ट्री हाउस का, जहाँ पे आज मैं स्टे कर रही हूँ, कल भी हूँ यहाँ पर. और इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लाउड वॉक ट्री हाउस. कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इनके, अगर आपको यहाँ पे प्लान करना है, स्टे करना है तो कर सकते हो. और रूम का प्राइस जो है वो स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड 8 to 9,000 इन अ लाइक लो सीज़न हेल्थ से, बट अगर बहुत ही पीक टाइम चल रहा है तो इट कैन गो अप टू 12 to 13,000 पर नाइट ऑल्सो, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड टैक्सेस, विच इज़ नाइस, प्रीटी नाइस, बिकॉज लोकेशन के अकॉर्डिंग, इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो आई थिंक नाइस है, प्लान कर सकते हैं. तो लंच इज हेयर, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. कहाँ पे लगवाऊँ, बाहर खाए, बाहर आई थिंक बाहर खा सकते हैं, है ना, यहाँ पे तो बाहर खाते हैं. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी 3 बज रहे हैं, यू विल नॉट बिलीव. तो अभी यहाँ बढ़िया सा मैं खाना खाऊँगी. मैंने ऑर्डर किया था दाल, आलू गोभी, राइस एंड सैलेड रोटी, ठीक है, गर्मा गर्म. आई एम रियली रियली हंग्री, मुझे बस खाना दिख रहा है. फिर थोड़ी एनर्जी आएगी वॉक करने की, शूट करने की. पहाड़ों का खाना हमेशा ही अच्छा ही होता है. गाइस खाना बहुत ही बढ़िया था, एंड टाइम भी अभी बताऊँ 4 बज गए हैं, तो थैंकफुली धूप भी जा चुकी है, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो चुका है. अब मैं निकलती हूँ वॉक पे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, ऐसे रैंडम निकलेंगे और आपको वर्चुअली मैं दिखाऊंगी थोड़े बहुत ऐसे आसपास के नज़ारे, तो एंजॉय कीजिए. बाकी मैं अपने गैजेट चार्जिंग पे लगा जाऊँ यहाँ पर. बाय द वे आई एम स्टेइंग सोलो हेयर, इमेजिन, नॉट लाइंग. कई लोग मेरे पर डाउट करते हैं अगर मैं बोल रही हूँ सोलो, तो देखो जहाँ मैं सोलो नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, मैंने ओपनली उन वीडियोज़ में बताया है,
बट अगर जब सोलो हूँ तो सोलो ही हूँ यार, अब कोई डाउट करे जैसे मर्जी करे, कांट डू एनीथिंग, लेट्स गो। ऊपर से दिखाऊँ तो ऐसे दिखती है प्रॉपर्टी वहाँ से ना, मतलब अगर ऑफकोर्स जब मैं आ रही थी तो वहाँ से मैंने देखी थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ से पूरा फ्रंट वाली व्यू है, विच इज़ रियली नाइस। और चलते हैं, मुझे याद आ रही है अपने मनाली के दिनों की। इफ़ यू लाइक न्यू टू दिस चैनल एंड जो मेरे पुराने वाले सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे लाइक स्टार्टिंग से मेरी वोकेशन वाली जर्नी से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि मैंने बहुत वोकेशन करी है हिमाचल में, और स्टार्ट मैंने मनाली से किया था। मनाली में मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा 1 आर के रूम रेंट पे लिया था और मैं रहती थी वहाँ पे, खुद कुक करती थी, खुद खाना बना रही थी, खुद वहीं से काम करती थी, और बढ़िया था। मतलब मेरे वो इनिशियल डेज थे ट्रैवल जर्नी के, यूट्यूब जर्नी के, एंड वहीं से फिर मैं ट्रैवल करती थी। सो अब तो जैसे मैं गुड़गांव रहती हूँ अपने काम के लिए, इनकेस यू डोंट नो आई एम वर्किंग ऑल्सो, मुझे उन दिनों के याद आ रहे हैं बिकॉज ऑफकोर्स ऐसे ही व्यूज़ है वहाँ भी, यहाँ से मनाली भी पास है। तो वहाँ पे जब मैं रहती थी मैंने बहुत हाइक्स करी है ऊपर जा जा के जंगलों में लोकल्स के साथ, स्टिल मिस इट। जाऊँगी मनाली भी नेक्स्ट, आप प्रे करो कि मैं मनाली का वीडियो दिखाऊँ आपको, बहुत टाइम हो गया मनाली गए हुए। आसपास मैंने बहुत घूम लिया, मैं ताची वैली आई थी, ताची वैली यहाँ से दूर पास में ही है, वो दूर नहीं है ज़्यादा। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे तीर्थन के पास। देखो ये हाइक है जो मैं सुबह करके आई थी वहाँ तक जाने के लिए। हल्का सा देख रहे हो कॉटेज दिख रहा है, वही है। यहाँ पे देखो ना लोकल्स के घर भी हैं, ये भी हैं बिल्कुल जैसे पक्के मकान होते हैं वो भी। यहाँ कोई कैफेज नहीं है, कोई शॉप नहीं है, दैट इज़ ट्रू, वो नहीं है, बट यहाँ लोकल्स के घर आपको मिल जाएंगे। एंड हिमाचली इतने अच्छे होते हैं, हम सबको पता है, अगर आप इनसे खाना मांग भी लोगे ना मना नहीं करेंगे आपको। हेलो आंटी, सिंस ये सितंबर का मंथ है, ओ नाशपाती का पेड़, सिंस ये सितंबर का मंथ है, आई वाज सेइंग कि अभी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है बिकॉज मॉनसून जस्ट यू नो ख़त्म होने के उस पर है। बाय द वे ये देखो ये नाशपाती लगी हुई है, ऑफ कोर्स मैं नहीं तोड़ सकती ना तोड़ूंगी, इतनी भी लंबी हाइट नहीं है मेरी, बट ये नाशपाती का पेड़ है। साइड हो जाओ, बस ऐसे छोटा है, कैमरा में देख के जा रही है। बेसिकली ट्रेल ख़त्म हो गई और अब एक प्रॉपर रोड है ये जहाँ तक आपकी गाड़ी आ सकती है, और यहाँ पे आप इसी जगह की मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे कार पार्क करके आप नीचे जाओगे अगर यहाँ पे स्टे करना आप पसंद करेंगे तो। पीछे फॉरनर्स थे कुछ, पता नहीं कहाँ से आए हैं, बट हाँ जो पीछे आपने ग्रुप देखा फॉरनर्स का था, वो कुछ लोकल भी लड़के थे। आई थिंक मैं यहाँ से वापस चलती हूँ, और हो गए मुझे आते हुए 15-20 मिनट, तो हो गए जाते भी अब इतना टाइम लगेगा। अच्छा मैंने आपको विलेज का नाम नहीं बताया, बेसिकली जीबी तो है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर, ये पूरा जीबी एरिया ही है, बट इस विलेज का नाम है टांडी। तो जीबी में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, बट ये वाला जहाँ पे ये ट्री हाउस है या फिर मेनली जितने भी आप ट्री हाउसेस देखोगे जीबी के वो टांडी में ही है, और यहाँ पे आपको अच्छे से बढ़िया मतलब मिलेगा। दिस वन इज़ द टॉप वन जहाँ पे हम रुके हैं।
दिस इवनिंग टाइम इन दिस जकूजी ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस करना बनता था. सो अभी मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, आराम से बिल्कुल रिलैक्स पूरा व्यू एंजॉय कर रही हूँ. अभी सनसेट भी हुआ सामने, मतलब प्रॉपर सनसेट नहीं दिखता बिकॉज डायरेक्शन थोड़ी अपोजिट है, बट हाँ पूरे यहाँ पे माउंटेन्स अभी रेड हो गए थे तो अब तो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है. एंड यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देती हूँ कि रात के टाइम भी जब लाइट्स ऑन हो जाती है तो कैसे दिखता है, ये सुंदर ही लग रहा है बहुत. बाहर से भी दिखाती हूँ, ये देखो बाहर का व्यू. ये तो इतनी तेज़ यहाँ पे आवाज़ें आ रही है देखो. और मैंने जस्ट अभी ऑर्डर करी है कॉफ़ी, गर्मा गर्म कॉफ़ी एंड पकोड़े. ये है आलू प्याज के पकोड़े और दिस इज़ कॉफ़ी. सो आई हैव दिस. अच्छी है, बढ़िया इन्जॉय करती हूँ. उसके बाद अभी डिनर करूँगी थोड़ा लेट, फिर मैं सो जाऊँगी और कल मैं आपको घुमाने लेके जाऊँगी जिलोरी पास. सो उसका सेपरेट वीडियो रहेगा ऑफ कोर्स, इस वीडियो में मैं नहीं इंक्लूड कर रही, लंबा हो जाएगा. तो जिलोरी पास और आई ट्राई कि टाइम के ऊपर अगर मेरे को टाइम मेरे लिए बचा तो आई गो टू सिरोसर लेक का जो छोटी सी एक हाइक है, ट्रैक है 5 किलोमीटर का, तो वहाँ भी जाऊँगी. सो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का. आई होप सो कि आपने इस वीडियो में ये नेचर की खूबसूरती, ये लाइक यू नो ट्री हाउस स्टे इन्जॉय करा है मेरे साथ. सो लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई है तो. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग.